आज हम बनाएंगे गेहूं के आटे से बहुत ही टेस्टी पराठा, जो कि हेल्दी भी है और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से बनती है। तो फिर देर की स्वाद की, चलिए शुरू करते हैं प्याज का पराठा बनाना। हेलो फ्रेंड्स, मैं गुंजा वर्मा आपका स्वागत करती हूँ आइडियल किचन में। पराठा बनाने के लिए हम ले रहे हैं एक बॉल गेहूं का आटा, 1/3 कप रिफाइंड ऑयल, एक प्याज, दो हरी मिर्च, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, इन सबको मैंने फाइन चॉप कर लिया है। इसके साथ ही मैं ले रही हूँ 1/2 टेबल स्पून कलौंजी, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, 1/2 टेबल स्पून अजवाइन और थोड़ा सा कसूरी मेथी। तो सबसे पहले हम आटा गूंद लेते हैं। आटा गूंदने के लिए हम ले रहे हैं एक बर्तन, जिसमें हम डालेंगे आटा, ऑयल, फाइन चॉप किया हुआ प्याज, हरी मिर्च, अदरक, कलौंजी और अजवाइन, जिसे मैंने हाथों से क्रश कर डाला है, थोड़ा सा कसूरी मेथी, अगर आप चाहें तो फ्रेश हरी धनिया के पत्ते भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अब हम इन सबको अपने हाथों की मदद से बहुत अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसे मिलाएंगे। फिर थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसे बहुत अच्छी तरह से गूंद लेंगे। तो बस हमारा डो रेडी हो चुका है। इसे ज़्यादा नहीं, बस 5 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे। 5 मिनट हो चुके हैं, हम अपने डो को एक बार चेक कर लेते हैं। तो बस हमारा डो सेट हो चुका है। अब हम वापस से इसे एक बार गूंद लेते हैं। अब हम इसमें से मीडियम साइज के लोई कट कर लेते हैं और इनके पेड़े बना लेते हैं। अब हम एक पेड़ा लेंगे और इसे इस तरह से गोल बेल लेंगे। तो हमें इसी तरह से सारे पराठे को बेल लेना है। अब हम इधर अपने तवे को भी गर्म कर लेते हैं। हमारा तवा गर्म हो चुका है, इस पे पराठा डाल देते हैं और इसे थोड़ी देर बाद ही करछी की मदद से पलट देंगे और इसके ऊपर 1 चम्मच ऑयल या घी लगा देंगे और इसे पलट के दोनों साइड सेक लेंगे। तो बस हमारा पराठा सेक चुका है, चलिए इसे गर्मा गर्म सर्व कर लेते हैं। आप इसे किसी भी सब्जी के साथ, अचार के साथ खाएं, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगी और ये फटाफट बन भी जाती है। तो इसे एक बार ट्राई ज़रूर करें और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।